जो किसान सबको रोटी खिलाता है, वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए न जाने किस शहर के कौन से चौराहे पर भीख मांग रहा है। धरती को माँ बोलते हैं, धरती माँ। अरे नहीं चाहिए ऐसे बेटे जो अपनी माँ की इज्जत ना कर सके। नहीं मिलेगी तुमको जमीन, जो करना है करना है करना है। You were an intelligent man. You want to be a business tycoon. But I don't think so. इस तरह के ना समझ और जज्बाती बेटे के साथ आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये सब नॉनसेंस कह रहा है और इसको मना करने की बजाय यू आर क्लैपिंग फॉर हिम। इट्स वेरी स्ट्रेंज मिस्टर खन्ना। हाँ मिस्टर पटेल, हमने पृथ्वी के लिए तालियां बजाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो बात हम सब कहना चाहते हैं वो बात पृथ्वी ने कही है, लेकिन शायद इतने अच्छे ढंग से नहीं कह पाते। ये सच है कि आपके प्लांट से हमारी जमीन और रिवर दोनों पॉल्यूटेड हो जाएंगे, इसलिए हम आपके इस प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं करते। मिस्टर पटेल, मुझे अपने बच्चों के फैसले पर गर्व है। I'm proud of my sons. मिस्टर पटेल, आज भी हमारे देश में लोग वो पैसा नहीं कमाते जिसमें किसी की बद्दुआ जुड़ी हो। खुद की तरक्की के लिए दूसरों की बर्बादी नहीं देख सकते। दुनिया के दूसरे मुल्कों में हम अपना कपड़ा पहुंचाना जरूर चाहते हैं, लेकिन अपने ही देश के किसानों की जमीन और रोटी छीन कर नहीं। और ये बात मैं अन्न को छू कर कह रहा हूं। आई एम सॉरी, लेकिन आपका यह प्रपोजल हमें स्वीकार नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर आप हमारी वो टेक्सटाइल डील रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। वरना मेहमान नवाजी करके भी हम खुश हैं। नमस्ते। चलिए सर, मैं आपको बाहर कार तक छोड़ देता हूं। क्या प्रॉब्लम है? शाम इतने अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? क्या सोच रहे होंगे वो लोग? अरे तुम्हारा वो पीछे का चेन खुला है। अरे क्या कर रही हो? जल्दी करो, कोई देख लेगा।
ये बात कुछ हजम नहीं हुई। का चीन खुला है। बेटा खुद को ही आईने में देखकर इतनी शर्मा रही हो, आज बहुत खुश हो, क्या बात है बेटा? वो दादी ऐसे ही और हमेशा मुस्कुराते रहना तो अच्छी बात होती है ना? हाँ, लेकिन आज बात कुछ और ही है बेटा, कुछ ऐसी बात जो तेरी आंखें बोल रही है लेकिन जुबान नहीं बोलना चाहती है ना? अच्छा, मुझे बताना नहीं चाहती? कोई बात नहीं, बस बेटा मैं तुझे ऐसे ही मुस्कुराती हुई देखना चाहती हूँ, क्योंकि इस घर में तू एक ही ऐसी है जो सबको खुश देखना चाहती है। बातों बातों में तो मैं भूल ही गई कि मैं तुम्हारे लिए हलवा बनाकर लाई थी, खा के देख कैसा बना है। वाओ दादी माँ, मुझे तो खुशबू से ही पता है कि ऐसा हलवा कोई और बना ही नहीं सकता। अच्छा, तो फिर डाइटिंग वगैरह भूल कर सारा हलवा खा जा, तब तक मैं औरों को देकर आती हूँ। कर रहा है? मैं अपने टॉयज रख रहा हूँ। क्यों? यहाँ क्यों? जो टॉयज मुझे नहीं पसंद वो मैं यहाँ रख देता हूँ। लेकिन तू तो इनसे खेलता है ना, तो फेंक क्यों रहा है ने? मैं सुपर हीरो के साथ खेलता हूँ, मैं सुपर हीरो के साथ नहीं खेलता। आपसे एक बात पूछूं? सुपरमैन इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको गर्लफ्रेंड क्यों चाहिए? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पौवे जितना छोरा है तू, ये कौन सी बातों में उलझा है? चल जाके पढ़ाई कर, भाग यहां से। कमाल का शहर है, बड़े हो या बच्चे न जाने किस चक्कर में पड़े, और इस शहर में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है पृथ्वी? मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। पिताजी, मियो कैसी हो बेटा?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिट्टू कैसी है? हम दोनों ठीक है यहाँ पर। बेटा वहां सब ठीक है ना? हाँ यहाँ सब ठीक है। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों साउंड कर रहे हैं? नहीं बेटा, कुछ बात नहीं है, बस वो क्या है कि पृथ्वी की चिंता लगी रहती है, उससे बात नहीं हुई है ना बहुत दिनों से, इसीलिए। वैसे हमने भी जानबूझकर उसे फोन नहीं किया था, सोचा एक बार सेटल हो जाए शहर में फिर बात करेंगे, लेकिन चिंता लगी रहती है हमेशा। क्यों बेटा? तुम दोनों एक साथ एक घर में रह रहे हो ना? हाँ पिताजी, साथ ही रह रहे हैं। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वक्त के साथ साथ वो इस परिवार को और इस घर को अपना रहा है। बेटा तुमसे पृथ्वी का हाल मिल गया, दिल को बहुत तसल्ली मिली। अच्छा बेटा, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और पृथ्वी का भी ख्याल रखना। वो क्या है कि उसे अभी शहर के लोग और वहां के तौर तरीके मालूम नहीं है ना। जी पिताजी, मैं तो हमेशा ही उसके साथ हूँ और आगे भी उस पर कोई परेशानी आने नहीं दूंगी। आप अपना और बिट्टू का ख्याल रखना, ओके? बाय बेटा। जान से मारने के लिए। What? क्या? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई इस घर में ऐसे कैसे घुस सकता है? आकाश तुम जल्दी से पुलिस को फोन लगाओ। हाँ डॉक्टर, क्विक। कोई जरूरत नहीं, वो भाग चुका है। लेकिन बेटा वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था? कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसने तुम्हें धमकाने की कोशिश की थी? और वो जो कोई भी हो वो है कौन? किसका फोन है? प्लीज बंद करो इस वक्त। सॉरी भैया।
पृथ्वी, डैड सही कह रहे हैं, हमें इसके बारे में पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। हाँ, मैं भी कोई जरूरत नहीं है उसकी। ऐसे हमलों से हम नहीं डरते। बचपन से मौत के साथ लुका छुपी का खेल खेलते आ रहे हैं। हमें पुलिस की सुरक्षा की जरूरत नहीं। अगली बार अगर वो हमारे सामने आया तो उसे जान बचाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पृथ्वी, तुम समझ रही हो? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो जब पृथ्वी खुद परेशान नहीं है? मेरी वजह से तो क्या ना, पृथ्वी मेरी बात नहीं सुन रहा इसलिए। ऐसे तो हमारे घर में कभी भी कोई भी हो सकता है। हमें इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए और हमारी सिक्योरिटी को अपग्रेड करना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, सिक्योरिटी हमें टाइट करनी ही होगी। पृथ्वी, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं देखता हूं कि कोई कैसे दोबारा इस घर में ऐसे घुस सकता है। संजना, काफी दिनों से तुम्हारा वो दोस्त नहीं दिखा। वो कहां है? तुमसे मतलब, तुम अपना काम करो ना। We'll be right back.